नमस्कार, मैं ज्योत्सना सिंह हेल्दी राष्ट्र में आप सभी का स्वागत करती हूं। जो दर्शक आज हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्हें बता दें कि यहां बात होती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। जी हां, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिसे विश्व की पांचवी चिकित्सा पद्धति भी कहा जाता है। सन 1865 में इटली में सर काउंट सीजर मैटी ने इस चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया। जैव ऊर्जा पर आधारित इस चिकित्सा पद्धति में मानव शरीर के लिम्फ और ब्लड पर कार्य किया जाता है, साथ ही रोगों को जड़ से खत्म किया जाता है। ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि तो जैसे ही यहाँ पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सेहक से जुड़ी हुई गतिविधियों के बारे में। जी हाँ, सेहक जिसे सिन्हा इलेक्ट्रो होम अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, विगत 50 वर्षों से सेहक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में समर्पित रहा है और वर्तमान में भी अनेक गतिविधियां वो कर रहा है। इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेहक के उप निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर प्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर प्रभात, पहला मेरा प्रश्न यही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की अगर हम बात करें तो आपके द्वारा सबमिट तो किया जा चुका है प्रपोजल, अब उसके आगे क्या कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पूरा देश ही नहीं, ये चिकित्सक ही नहीं, सभी जानना चाहते हैं कि भाई मान्यता कब मिलेगी, क्या आगे प्रक्रिया चल रही है। देखिए, प्रपोजल सिर्फ सेहक ने ही सबमिट नहीं किया है, हमारे और भी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के वेलविशर हैं उन्होंने भी साथ में ही प्रपोजल सबमिट किया था और सबका एक ही उद्देश्य था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जितना जल्द से जल्द हो सके सरकार से मान्यता लें, और सरकार भी इस तरफ काफी अग्रसर है और विचार चल रही है, क्योंकि एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। ये अलग बात है कि सारे प्रपोजल सबमिट होने के बाद भी कुछ लोगों ने क्या किया कि बाद में दो चार पन्नों का प्रपोजल सबमिट कर दिया है फोर्सफुली, हालांकि IDC उस पर किसी भी तरह का कोई मतलब ना सिंसियरिटी दिखा रही है ना कुछ कर रही है, क्योंकि जो उसके पास ऑफिशियली प्रपोजल सबमिट हुए हैं सिर्फ उसी को ध्यान दिया जा रहा है और उसको देखकर वो एक कंक्लूड एक रिपोर्ट तैयार कर रही है जो आने वाले समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी और ये बहुत बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट होगी, क्योंकि इतने सारे लोगों का उसमें एक मेहनत जुड़ा हुआ है। तो सेहक ने भी जो काम किया है अपने प्रपोजल के थ्रू, हालांकि हमने अपना जो लास्ट प्रपोजल सबमिट किया था हमारी सेहक की टीम ने, उसके लास्ट पेज में हमने एक एनेक्सर लगाया था, लिखा था उस पर और कहा था कि अगर इतने देने के बाद भी अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो हमारी एक इलेक्ट्रोमोपैथी की टीम है जो कि आपसे फिजिकली मीटिंग की आकांक्षा रखती है, उसके बाद इलेक्ट्रोमोपैथी को समझा देगी कि क्या होता है। लेकिन हमारी जो IDC है उस प्रपोजल को बहुत ही सिंसियरली लिया है और लेकर एक सारे प्रपोजल के स्टडी करने के बाद एक कंक्लूड रिपोर्ट तैयार कर रही है और बहुत जल्दी वो सबके सामने आ जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो परिणाम है सामने आए और जो मान्यता का रास्ता है वो जल्द से जल्द साफ हो, जिसका पूरे देश ही नहीं, पूरे चिकित्सक ही नहीं, सभी इंतजार कर रहे हैं। तो मेरा अगला प्रश्न सेहक को लेकर ही है। सेहक अपने कैंसर पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर्स को लेकर चर्चा में हमेशा रहता है, विभिन्न राज्यों में आपके सेंटर्स चल रहे हैं, तो अब किस तरह का और इसमें विस्तार हो रहा है, क्या क्या गतिविधियाँ इसमें और चल रही हैं? देखिए, सेहक है, रही बात कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर और सेहक है, ये दोनों का संबंध है बहुत ही अजीब है, क्योंकि ये कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर की जो शुरुआत ही हुई है खास करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी में वो सेहक की देन है। इससे पहले पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर पर काम नहीं हो रहे थे, कभी कैंसर हॉस्पिटल खुले हुए थे हर जगह पे, कैंसर रिसर्च सेंटर, कैंसर हॉस्पिटल सब जगह खुले हुए थे, लेकिन कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर पर भी काम किया जा सकता है पेन एंड पैलिएटिव मैनेजमेंट पे, ये सेहत ने बताया। और अब जाके बहुत सारे अब कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर चल रहे हैं डिफरेंट टाइप, लेकिन सेहत का अपना जो अभी सेंटर है वो करीब अभी पूरे देश में 25 प्लस में है। अभी रिसेंटली कर्नाटका में जो हुआ करीब 6 सेंटर वहां इनोग्रेट हुए, उसके बाद अभी तेलंगाना स्टेट में भी हुआ है जाकर करीम नगर में, जिसको डॉक्टर मेहर दीपा ने लिया है अफिलिएशन वहां का, वही डॉक्टर मेहर दीपा जो इस साल में मिसेज इंडिया का खिताब भी उन्होंने जीता। हमारे लिए ये फख्र की बात है कि हमारी एक डॉक्टर फैशन वर्ल्ड में भी अपना नाम कमा रही है खास करके,
उसके बाद आंध्रा में भी एक ओलोंग जगह है, वहां भी एक कैंसर पेन एंड पैलिटिव केयर सेंटर दिया गया। वहां के जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर बंदी वेंकटपति नागराजा रवि कुमार जी, उन्होंने इस सेंटर के लिए बहुत बड़ा ड्रीम देखा है और हमारे सेहत के लिए आई होप कि वो बहुत लकी साबित होंगे उस स्टेट के। तो यहाँ तो ये बात हुई कैंसर पेन एंड पैलिएटिव की। अगर हम बात करें सेहत की, क्या सेहत कैंसर के अलावा अन्य बीमारियों पर भी कुछ कार्य कर रहा है? बिल्कुल, सेहत पहले कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर तो इसका कहा जाए तो बॉर्न प्रोजेक्ट है जी। लेकिन इसके अलावा भी जो हमारे पास रिक्वेस्ट लेटर आ रहे थे कैंसर पेन एंड पैलिएटिव के लिए, एक एक डिस्ट्रिक्ट से तीन तीन चार चार आ जा रहे थे और एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर के अलावा दूसरा दिया नहीं जा सकता था, ये हमारे रूल फ्रेम में दिया हुआ है। उसमें किया क्या गया कि ऑप्शन के लिए न्यूरो से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसके लिए भी न्यूरो केयर सेंटर या रेनल से रिलेटेड जो है रेनल केयर सेंटर, इस तरह के भी सेंटर दिए अब जा रहे हैं और जगह जगह पे अब न्यूरो केयर सेंटर रेनल केयर सेंटर ऐसे भी चल रहे हैं। तो ये हमारे सेहत के कैंसर पेन एंड पैलेटिव के अलावा ये डेवलपमेंट का एक अलग पार्ट है। ये बहुत ही खुशखबरी है सेहत के लिए जो सेहत को फॉलो करते हैं, हेल्दी राष्ट्र को फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को फॉलो करते हैं। तो अब सेहत के जो सेंटर्स हैं वो कैंसर पेन एंड पैलेटिव ही नहीं, न्यूरो के क्षेत्र में भी, न्यूरो की बीमारी के लिए भी वो सेंटर्स अब खुल रहे हैं। आप जो नंबर्स चल रहे हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उस पर बात करके पता कर सकते हैं कि इन किन राज्यों में ये सेंटर्स चल रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर प्रभात, अब हम बात करते हैं शोध पर। सेहत की अगर बात करें तो विगत 50 वर्षों का लंबा सफर है जिसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विकास के लिए कई कार्य किए गए हैं, कई शोध किए गए हैं। अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो किस प्रकार के कार्य चल रहे हैं, किस प्रकार के नए शोध अब हमारे देशवासियों को देखने को मिलेंगे? देखिए, सेहत एक अनुसंधान केंद्र है, सेहत का नाम ही सिन्हा इलेक्ट्रो में अनुसंधान केंद्र है, तो अनुसंधान तो अनवरत चलते रहते हैं, इसमें वो तो कभी रुका ही नहीं है। गैंग्रेनल फोल्ट इसकी एक अलग अपनी पहचान है सेहत की, क्योंकि गैंग्रेनल फोल्ट के चलते सेहत की ही पहचान नहीं बनी है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की भी पहचान बनी है गवर्नमेंट के भी सामने, पब्लिक के भी सामने और बाहर भी देश के। तो उसमें हुआ क्या कि केवल अगर हम गैंग्रेनल फोल्ट को ही अभी तक करें तो ये ठीक नहीं होगा, आगे चलकर हम लोगों ने इस पर और भी काम किए हैं कैंसर पेशेंट के लिए। गैंग्रेनल फोल्ट पहले जैसे काम करता था, अब गैंग्रेनल फोल्ट के इंजेक्शन फॉर्म भी चल रहे हैं, इंजेक्शन भी दिए जा रहे हैं। तो जो रिजल्ट पहले मिल रहा था गैंग्रेनल फोल्ड से और अब भी, दोनों में फर्क आना शुरू हो गया है कि जो हम उम्मीद करते थे कि 20 मिनट 25 मिनट और आधे घंटे, अब हम ये कह सकते हैं कि 10 मिनट और 15 मिनट। मतलब हम उद्देश्य ये है सेहत का कि हम समय को घटाते जाएं कि जितना कम से कम समय में हम पेशेंट को फायदा दे सके। क्योंकि अगर सेहत या हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ये कह रही है कि साइंस एनर्जी बेस है तो फिर स्पीड इसकी जितना कम से कम हम कर सके, क्योंकि एनर्जी से ज्यादा स्पीड किसी की नहीं होती है, तो उस स्पीड को कम करने के लिए सेहत दिन रात प्रयत्नशील है कि जितना कम से कम समय में हम पेशेंट को फायदा पहुंचाए। तो ये हमारी डेवलपमेंट और रिसर्च का ही पार्ट है। उसके अलावा भी कुछ मेडिसिन पर भी काम हुए हैं, जैसे 5-4 मेडिसिन एक है जिसको कि एनर्जी इन्हेंसर का भी रूप देखा जाता है और वो लिखा भी हुआ है उस पर कि एनर्जी इन्हेंसर है। वो एक ऐसी मेडिसिन रही कि जो कि कोविड के समय में मिनिस्ट्री तक वो मेडिसिन पहुंच चुकी थी और मंत्री के टेबल पर और हर जगह वो 5-4 रखी रहती थी, लोग यूज करते थे, सैनिटाइजर की जगह उसको यूज करते थे कि ये इम्यूनाइजर किस प्रकार से काम करती है 5-4। एक्चुअली देखिए, वो 5-4 का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो 5 चक्रास को कॉन्सेप्ट लेके बनाया गया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रोसेस मेडिसिन का बनाने का, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है सोचने का और डेवलप करने का, वो 5 चक्रा जो हमारे बॉडी में है उसको कि अगर 5 चक्रा को बैलेंस कर दिया जाए या उसको ओपन किया जाए, जो अगर क्लोज है तो फिर यूनिवर्सल एनर्जी को वो बॉडी कंटेन करना शुरू कर देगी और हम हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। क्योंकि जब 5 चक्रास ओपन होंगे तो नेचुरली कि हमारी बॉडी की अपनी जो हीलिंग कैपेसिटी है जो नेचर ने दिया है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी अपने आप और हमारी बीमारी खुद से ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसलिए 5-4 एक बहुत बड़ी एक जस्ट लाइक एक गैंग्रेनल फोल्ड की तरह रिवोल्यूशन लाने जा रहा है। उसके अलावा न्यूरोटोन 1, 2, 3 ये सारे मेडिसिन हमारे गैंग्रेनल फोल्ड के सपोर्टिव मेडिसिन है जो चल रहे हैं। न्यूरोटोन 1 और 2 लॉ ऑफ पोलैरिटी पर चल रहा है, जो लॉ ऑफ पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है हमारी इलेक्ट्रोमोपैथी में, एंड न्यूरोटोन 3 भी सपोर्टिव मेडिसिन है उसी के। ये सारा हमारे सेहत का एक, ये न्यू रिसर्च में कहें
रिसर्च तो पहले का ही है बट अब ये पब्लिकली और लोगों के बीच में आ रहा है। बिल्कुल, ये तो आपने बताया आ रहा है। तो ये जो 5-4 है या न्यूरोटॉन की आप बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार का रिस्पांस देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, पहले जैसे हम लोग काम कर रहे थे गैंग्रेनोल फोर्ड का ही एप्लीकेशन एग्जांपल के तौर पे ले, क्योंकि सेहक का नाम और गैंग्रेनोल फोर्ड का नाम एक साथ ही लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो गैंग्रेनोल फोर्ड का एप्लीकेशन पहले भी हम लोग करते थे तो जो रिजल्ट हमें 20 मिनट 25 मिनट या आधे घंटे में मिल रहा था, वो रिजल्ट अगर हम 5-4 के एप्लीकेशन के बाद अगर करते हैं, जैसे पहले 5-4 का एप्लीकेशन हमने कर दिया, न्यूरोटोन 1-2-3 का एप्लीकेशन कर दिया, जबकि वो डिजीज से रिलेटेड कोई मेडिसिन नहीं है, वो एक कॉन्सेप्चुअल मेडिसिन है अपने आप में। इसको करके उसके बाद जब गैंग्रेनोल फोर्ड का एप्लीकेशन होता है तो पहले के रिजल्ट में और इस रिजल्ट में फर्क आ जाता है स्पीड के टाइम में। बिल्कुल, इसके बाद जब इंजेक्शन देते हैं तो जो टाइमिंग होती है पहले के टाइमिंग और कम होते जाती है धीरे धीरे। तो उद्देश्य अपना यही है कि हमें टाइम को कम करना है। रिजल्ट तो मिल ही रहे थे, पहले भी रिजल्ट मिल रहे थे, उसके बाद भी मिले और अभी भी मिल रहे हैं, और कोशिश है कि आगे भी और मिले। तो रिजल्ट में कमी नहीं आई है कहीं, लेकिन जो समय है टाइम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का, जो टाइमिंग का ही मेन तो सिस्टम है एनर्जी, तो उस टाइम को हम जितना कम कर सके बस उसमें सिन्हा इलेक्ट्रोमेन अनुसंधान केंद्र लगा हुआ है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, अगर वो दर्द से परेशान है, तो पहले जहां उसको 15 से 20 मिनट में आराम मिलता था, तो अब उसको जो टाइम है शायद उसको 10 मिनट में भी आराम मिल सकता है। अब क्या ये उसकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करेगा या फिर वो दवा उतने ही देर पे असर दिखाएगी ही दिखाएगी? नहीं, टाइमिंग तो फिक्स है कि उतने में असर दिखाई देगी। इम्यूनिटी पर डिपेंड केवल उसके रेशियो पे करता है कि उसका परसेंटेज, किसी किसी को मान लीजिए कि 10 मिनट में 50% रिलीफ मिला, किसी को 70 मिला, किसी को 80% मिला, उसमें वेरिएशन हो सकता है इम्यूनिटी को लेकर, लेकिन मेडिसिन का जो एक्शन है वो टाइमिंग उसके इम्यूनिटी पर नहीं है, वो अपना दिखाएगा ही दिखाएगा जिस तरीके से। तो बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, ये तो आपने बताया कि किस प्रकार से चाहे 5-4 हो, गैंग्रेनोल फोर्ट हो या न्यूरोटॉन हो, जो कैंसर के पेशेंट हैं या अन्य बीमारियों के जो पेशेंट हैं उनको तुरंत राहत पहुंचा रही है। अगर हम बात करें सेहक की, तो अब किस प्रकार से अब आगे की उसकी योजनाएं हैं? देखिए, योजना सेहक की ये है कि जो कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर को लेकर इसने बीड़ा उठाया है, सबसे पहले तो पूरे देश में कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर से लोग इतने अवगत हो जाए कि सेहत क्या कर रहा है वो जाने पहले, ये उद्देश्य है हमारा। और ये ना उद्देश्य ऐसा नहीं है कि सेहत को जाने, रियलिटी को जानना शुरू कर दे। सेहत का मतलब, सेहत मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि सेहत रियल साइंस पे काम कर रही है, रियल एचपी पे काम, रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे काम कर रही है, और खास करके कैंसर पेन एंड पैलिएटिव तो इसका सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके थ्रू हम जाना चाह रहे हैं लोगों के बीच में कि क्या कर रही है, आप देखें पहले इसको। और सेहत पे शुरू से सेहत पे इस लेवल पे पहुंचने का एक मेन उद्देश्य इसका अपना अनुशासनपूर्ण काम करना हुआ, और इसी तरीके से अनुशासन में रह के ही सेहत आगे भी हो सकता है कि आने वाले समय में इस साल के अंतिम होते होते अगले साल के शुरुआत में ही बहुत बड़ी न्यूज सेहत दे दे, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के हित के लिए हो या ऐसा कहें कि पूरे ह्यूमन काइंड के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी ये आने वाले वक्त में, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी जो सरप्राइजिंग न्यूज होती है वो समय पे मिलता है लोगों को तो ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए उसको उसी समय के लिए इंतजार करना होगा। तो बिल्कुल, हम भी ये आपको शुभकामनाएं भी से देंगे कि जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी योजनाएं हैं, वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो, और इसी मनोकामना के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ हम अब विदा लेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आप डॉक्टर प्रभात आते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें हेल्दी राष्ट्र के माध्यम से दर्शकों को बताते हैं, उसका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। तो ये थे सेहक के उप निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, जो हमें बता रहे थे कि इस वर्ष के अंत तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जुड़ी एक अहम खुशखबरी हमें मिल सकती है। दर्शकों, अब आपसे वक्त हो चला है विदा लेने का। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि तो जैसे ही यहाँ पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। अब मैं आपसे लूंगी इजाजत, नमस्कार।